पहली बार हम रेलवे स्टेशन आ गए हैं। नहीं जरूरत है क्या? अरे अरे लोग ब्लॉग में मिले रही। सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो गाइज, कल का ब्लॉग तो हम दिखाए थे, मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब था ज़्यादा, तो थोड़ा घर ही पे थे। आज पूरा घूमने आए हैं, आज जा रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन है हम लोग के घर के पास में ही पड़ता है, तो हम जा रहे हैं। इधर संध्या जा रही है, हेलो बोलो। हेलो। ये भी जा रही है अभी साथ में हम लोग। चलिए चल करके आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग के घर से बस पास में ही पड़ता है, तो सोचे कि चलिए, मन बैठे बैठे उब गया था, तो सोचे चलिए चलते हैं घूमने। तो अभी फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं, चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं ब्लॉग में। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, फिर कल सुबह में मुझे निकलना है, पटना भी निकलना है। चलिए चलते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हो, निकलना है उधर से है पक्कल ना? है घर ले जब तो पक जाते ही। वो था खजूर का पेड़ हमारे, हम लोग तो उसको खजूर बोलते हैं, मतलब गांव में ये वाला था ना, पूरा पीला है अभी, ये पूरा काला हो जाता है ना पकने के बाद, पूरा काला हो जाता है, मस्त लगता है खाने के खाने में। तो अभी वो कच्चा था इसलिए नहीं तोड़े उसको। सो फाइनली गाइज, हम अभी रेलवे ट्रैक पे आ गए हैं। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से रेलवे स्टेशन के पास में ही पड़ता है हमारा, जहाँ हम बचपन में पढ़ाई करते थे वो वाला स्कूल। चलिए पहले आप लोगों को वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ घुमाते हैं, और इधर संध्या को भी दिखाते हैं। ये भी बोल रही थी कि आप अपना स्कूल दिखाइए जहाँ से आप पढ़ते थे, तो इसको भी लेके जा रहे हैं अभी वहाँ पे, फिर रेलवे स्टेशन चलेंगे। चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आज का मतलब बचपन की कुछ यादें आज ताज़ा ताज़ा होने वाला है, तो चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं पूरा जहाँ से हम मतलब शुरुआत किए थे, क्लास वन से फाइव तक उस स्कूल में पढ़े थे, वहाँ आप लोगों को आज लेकर चल रहे हैं। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे तो हम मतलब आ करके अच्छा लग रहा है, बट अजीब सा हो गया स्कूल का पूरा माहौल यार, गवर्नमेंट स्कूल का है, मतलब पूरा अजीब सा टूट गया है ना, दिखा रहे हैं आप लोगों को नीचे, देखो ना पूरा लग रहा है कि जैसे खंडहर बना दिए हैं, अजीब सा हो गया है पूरा। पहले था उस समय बहुत अच्छा था जब हम लोग यहाँ पे पढ़ा करते थे, अब मतलब इतना ज़्यादा ना प्राइवेट स्कूल वगैरह ओपन हो गया ना, तो मतलब मेरे गांव में ही तो कम से कम 15 गाड़ी आता, 15 से 16 गाड़ी आता है प्राइवेट स्कूल, तो सरकारी स्कूल ऐसे ही पूरा धीरे 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 खत्म हो गया। जब हम लोग पढ़ा करते उस समय लगभग एक दो गाड़ी ही आता था सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल, अभी तो पूरा ऐसे है ना। और देख रहे हैं आशिकों का नमूना यहाँ पे भी घुसा हुआ है, सब क्या क्या शायरी लिख करके रखा है दीवार पे, एक पर एक आशिक लोग हैं यहाँ भी वगैरह आता था। और यहाँ पे लंच का जब टाइम होता, जब शाम में छुट्टी का टाइम होता, तो यहाँ पे मस्त बैठा करते थे, खेला करते थे, बचपन का याद मतलब पूरा। आज सब स्कूल आसपास में था, मतलब पूरा गाछी था, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता था उस समय पे। अब तो पूरा एकदम चेंज हो गया यार, कुछ नहीं है यहाँ पे अब, पहले का माहौल ही दूसरा था स्कूल का, अब तो पूरा अजीब सा हो गया है। आगे तक जो बड़े हैं, यही स्कूल से हम लोग अपना एजुकेशन शुरू किए थे, पढ़ाई लिखाई जहाँ से बोला जाता है ना, कखा गघा और ABCD पढ़ना, यही स्कूल से शुरू किए थे हम तो। आज लगता है कि नहीं भाई, बहुत आगे कौन, अरे वैसे ही कुछ कुछ लिख देता है थोड़ा में। चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, चलिए आगे चल के आप लोगों से मिलते हैं फिर। यहाँ पे लगाया गया था हर स्टूडेंट के सुविधा के लिए नल भी लगाया गया था, वो सब भी तोड़ के फेंक दिया है सब पूरा, क्या ही बताएं आप लोगों, क्या ही दिखाएं। चलिए खैर कोई ना, ज़्यादा सुविधा मिलने के बाद लोग यही करते हैं। और ये था ऑफिस हम लोगों का, हम लोगों के स्कूल था पीपल का गाछ, जहाँ पे हम लोग लंच टाइम होने के बाद यहाँ पे मतलब मस्त खेला कूदा करते थे। प्ले ग्राउंड तो है नहीं, यहीं पे खेलते थे। कैसा लगा मेरा बचपन का स्कूल यार, बताना ज़रूर आप लोग, क्योंकि तो मैंने आज हम जो भी हैं, जो भी एजुकेशन किए हैं हम, यही स्कूल से शुरुआत किए तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। फिलहाल लेकर चलते हैं अब आप लोगों को रेलवे स्टेशन के पास में। चलिए, गांव का ब्लॉग है तो गांव में पूरा घुमाते हैं आप लोगों को, मेरे आसपास में क्या क्या है क्या नहीं है वो सब पूरा दिखा रहे हैं आप लोगों को। चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइज, हम स्कूल से घूम करके अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ में, जो रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं ना, क्योंकि रेलवे यहाँ पर ट्रेन बस सुबह में ही आता है, एक ही टाइम पर आता है। एक है मेरे दो ट्रेन चलता है मेरे पास से ही, जो सोनपुर से चलता है वैशाली के लिए, इसी सोनपुर और वैशाली के बीच में ही मेरा घर पड़ता है यार। तो यहाँ से अभी सुबह दो ही ट्रेन चलता है, तो अभी कोई ट्रेनिंग का टाइमिंग नहीं है, इसलिए बता दिए क्योंकि लोग कमेंट करेंगे कि रेलवे ट्रैक पे चल रहे हो, थोड़ा सा समझ के चलनी चाहिए।
रेलवे ट्रैक पर चलना नहीं चाहिए ऐसे। मैंने यहाँ तो अभी ट्रेन का टाइमिंग नहीं है क्योंकि एक ही ट्रेन, दो ही ट्रेन चलता है, तो एक चलता है 2 बजे, लास्टली 2 बजे, अभी शाम का बज रहा है, 4 बज रहा है। तो चलिए लेकर चलते हैं अभी रेलवे स्टेशन पे, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा। फाइनली गाइस हम रेलवे स्टेशन आ गए हैं, तो चलिए आप लोग को घुमाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं। लोग ब्लॉग में मिले रहिए। हम आए हैं, मामा जाए, हम लोग को अपने रेलवे स्टेशन घुमाएंगे, ठीक घुमाते हैं। फाइनली गाइज हम अपने रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं, चलिए आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का कुछ व्यू। इसके आसपास में जो है ना मेरे गांव में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ के आसपास में पूरा देखिएगा तो बीच मतलब खेत बीच चौड़ में रेलवे स्टेशन है मेरा। ये रहा कुछ छोटा सा रेलवे स्टेशन। क्या करेगी, क्या करने जा रही है, बहुत तेज नहीं जरूरत है क्या? अरे अरे नहीं। क्या नहीं, कल नहीं चल रहा है ये बल। हाँ चल तो रहा है, जाओ जाओ जो धो दो। अरे फोन पे पानी पड़ेगा ना भींग जाएगा, खराब हो जाएगा फोन। चलो हो गया। रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू यहाँ का देखिए, ये रहा यहाँ का कुछ व्यू, आप लोग बताना जरूर कमेंट करके। कहाँ इधर आओ, ये सब बेहतरीन धीरे धीरे बनते जा रहा है। आप कौन कौन लोग ये स्टेशन को जानते हो बताना जरूर, या नाम सुने होंगे तो बताना जरूर। कर रही है उधर, चलो नीचे चलो, ऊपर नहीं चढ़ना, चलो नीचे, शाम भी हो गया। सो फाइनली गाइज हम पूरा स्टेशन आप लोग घुमा दिए हैं, यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि शाम का 7 बज गया है और यहाँ से निकलना है, थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से घर, लगभग 100-200 मीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ से अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ में, क्योंकि रात भी हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाय बाय, बोल दो सब लोगों को, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टाटा, चलिए मिलते हैं, गुड बाय।